जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आपका और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के तरीके तीन तरीके हैं ठीक है तीन वेज है। कौन कौन से वेज है पहला वे है बाय रेफरेंस वेरिएबल दूसरा कौन सा तरीका है बाय मेथड तीसरा कौन सा तरीका है बाय कंस्ट्रक्टर तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में इसके अंदर हम वेरिएबल को रेफरेंस करके उसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं क्लास के अंदर जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे आईडी फिर हम क्या लिखेंगे स्ट्रिंग नेम क्योंकि एक स्टूडेंट का क्या होता है एक आईडी होती है एक नेम होता है फिर हम क्या करेंगे उसके बाद उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरी क्लास किस नाम से स्टूडेंट वन के नाम से ठीक है फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे इसको कॉल करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट एस वन इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट हमने न्यू क्यूवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करा और हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया अब एस वन डॉट आई डी हम कितनी आई डी की कितनी वैल्यू देते हैं मैं यहाँ देता हूँ स्टूडेंट के आई डी ट्वेंटी और इसका नाम दे देते हैं एस वन डॉट नेम की क्या नाम दे देते अपना ही नाम लिख देता हूँ ठीक है अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट प्रिंटे फिर हम उसके अंदर क्या लिखेंगे एस वन डॉट आई डी प्लस यहाँ पे लिख देते हैं एम टी स्पेस दे देते हैं यहाँ पे ठीक है फिर हम उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे एड करेंगे किस चीज को एस वन डॉट नेम हमने यहाँ पे एक एम टी स्पेस दिया ठीक है अब हम इसको करके देखते हैं रन ये देखो ये आ गया यहाँ पे ट्वेंटी रिशभ अगर हम यहाँ पे इसको दे देते हैं थोड़ा सा अब करके देखते हैं देखो यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया ये हमने किस तरह करा हमने ये कराया हमने मेंबर्स को एक बीच में स्पेस दे के उसको प्रिंट करवाया ये होता है रेफरेंस वेरिएबल ठीक है ये वाला था रेफरेंस वेरिएबल अब हम देखते हैं बाय मेथड तो रेफरेंस वाला था अब हम देखते हैं बाय मेथड वाला तो इसके नीचे पे लिख बाय मेथड हम क्या करेंगे बाय मेथड के अंदर बाय मेथड के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे इंट रोल नंबर स्टूडेंट का ठीक है फिर हमने क्या करा यहाँ पे इसका नेम बनाया नेम किस में सेव होता है नेम सेव होता है स्ट्रिंग के अंदर फिर हमने क्या करा इसके नीचे कर व्हाइट इंसर्ट कैंसर्ट करेंगे हम इसके अंदर इसका टाटा इंसर्ट करेंगे जैसे कि इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग का नेम ठीके? ये हमने इसके अंदर स्टोर करा फिर हमने यहाँ पे लिखा फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं और फिर हम इसको बताएंगे कि रोल नंबर क्या है रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल ठीक है और नेम क्या है नेम इज इक्वल्स टू नेम तो हम क्या करेंगे इस वाले नेम को कैपिटल कर देते हैं ठीक है ठीके? फिर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी पहचानने में कि कौन सा नेम कौन सा वाला है ठीक है फिर हम क्या करेंगे इसके नीचे आएंगे यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट डिस्प्ले display, इन्फॉर्मेशन display ठीक है ये हमने क्या करा एक फंक्शन बनाया हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन के नाम से ठीक है फिर हम क्या करेंगे कुछ यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट डॉट आउट प्रिंट फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे रोल नंबर प्लस स्पेस फाइट स्पेस और प्लस नेम ठीक है ये करने के बाद क्या करेंगे फिर हम दूसरी क्लास बनाएंगे यहाँ पे दूसरी क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे स्टूडेंट हमने स्टूडेंट टू नाम दे दिया इसका फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट फिर इसके अंदर लिखेंगे पब्लिक स्टेटिक वर्ड मेन फिर मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ठीक है फिर उसके बाद कल ब्रैकेट्स लगाएंगे उसके अंदर क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट प्लस वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ठीक है ये हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया फिर हमने बंद करा इसको फिर हमने क्या करा यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एस टू इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको करेंगे बंद पे S1. करेंगे थे थे S1 इसको इसको यहाँ पे लिखेंगे एस वन डॉट इंसर्ट कैंसर्ट करेंगे इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे एस वन डॉट इन सर्ट कैंसर्ट करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू मैं इसको वैल्यू देता हूँ यहाँ पे वन जीरो वन और अपना नाम ठीक है ऐसे ही हम स्टूडेंट टू के साथ करेंगे यहाँ पे अपना रोल नंबर देता हूँ वन जीरो टू और नेम ने देता हूँ अपना ठीक है फिर हम क्या करेंगे अब हम यहाँ लिखेंगे एस वन डॉट इसलिए इन्फॉर्मेशन ठीक है और फिर एस टू टॉट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ये हो गया बाय मेथड वाले फॉर्मूले से अब हम देखते हैं किस मेथड से अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर वाले वाले मेथड मेथड से से ठीक है तो हम हम इसको इसको कर देते हैं हैं कमेंट आउट देखेंगे इसको constructor वाले method से. एक नया क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सोर्स के अंदर यहाँ पे न्यू पे जाएंगे जावा क्लास मैं एक क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय के नाम से ठीक है फिर हम क्या करेंगे इसके नीचे लिखेंगे एम्प्लॉय की आई डी एम्प्लॉय के आई डी के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय के नेम के बाद उसकी सैलरी क्योंकि तो हम फ्लोट में लिखते ठीक है सैलरी के बाद व्हाइड इंसर्ट क्या इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इंट आई आई डी फिर स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हम नेम दे देते हैं ठीक है हर को फ्लॉट को हम दे देते हैं सैलरी ठीक है salary, इसके बाद यहाँ लगाएंगे कल्ली ब्रैकेट कल्ली ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आई डी इज इक्वल्स टू आई डी इसको हम कर देते हैं कैपिटल आई ठीक है नेम इज इक्वल्स टू नेम फिर सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे void हम लिखेंगे हम void डिस्प्ले क्या डिस्प्ले होगा इसके अंदर इसके अंदर डिस्प्ले होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट एल और इसके अंदर हम लिखेंगे आई डी प्लस स्पेस प्लस नेम प्लस व्हाइट स्पेस वाइट स्पेस में स्पेस दे सकते हैं व्हाइट स्पेस प्लस और सैलरी ठीक है ये प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक क्लास दूसरी क्लास बनाते हम यहाँ पे पब्लिक क्लास किस नाम से क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम पे एम्प्लॉय वन ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टेटिक वाइड मेन और फिर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इसको कर देंगे बंद यहाँ पे करेंगे ओपन फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय ई वन इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और यहाँ पे लिखेंगे हम इम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ठीक है अब हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लॉय ई थ्री इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय फिर हम क्या करेंगे इसके बाद इसके बाद इसकी, इसकी वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे जैसे की यहाँ पे लिखूंगा ई वन एम्प्लॉय वन डॉट इंसर्ट क्या इंसर्ट करवा देते हैं हम यहाँ पे पहले इसकी आईडी देते हैं जैसे कि मैंने इसकी आईडी दी जीरो जीरो वन फिर मैंने इसका नाम दिया अभिनव फिर मैंने क्या दिया नाम के बाद इसकी सैलरी बताई दो तो सौ तीन पॉइंट सिक्स ठीक है तो क्योंकि हमने फ्लोट में तो हम यहाँ पे एफ भी लिखेंगे फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ई टू और इंसर्ट एन करवाते हैं सबसे पहले मैं इसकी आई डी देता हूँ आई डी है इसकी जीरो जीरो टू नेम है इसका रिशभ और सैलरी है इसकी टू जीरो थ्री पॉइंट फाइव ठीक है हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इ थ्री और इंसर्ट इंसवाएंगे हम इसके अंदर इसके अंदर हम पहले इसकी आई डी देते हैं जीरो जीरो थ्री इसका नेम लिखते हैं इसकी सैलरी बताते हैं दो तो सौ तीन पॉइंट सेवनो ठीक है अब ये करवाने के बाद हम पाया मैंने कंस्ट्रक्टर से करवाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई वन डॉट डिस्प्ले ठीक है अब हम इसको तीन बार करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ई टू यहाँ पे लिखेंगे ई थ्री अब हम इसको रन करा के देते हैं ये देखो तो ये यहाँ पे आ गया वन टू थ्री ठीक है अभिनव ऋषभ अभी तो अगर मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जय हिंद दोस्तों